वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ FIA का मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रोस्टम पर आए, कहा करप्शन मुकदमा सियासी है, बरतानिया में रहकर कशकोल नहीं उठाया, कारोबार किया, तहकीकात के दौरान करप्शन का एक रुपया साबित नहीं हो सका। प्रोसिक्यूटर की सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुलजमान को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेशी के मौके पर अदालत के बाहर सिक्योरिटी का कड़ा पहरा। बदनज़मी के दौरान फाजल जज के ड्राइवर को गिरेबान से पकड़ लिया। दौरान समाज जज ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया, मुलजमान को आने नहीं दिया गया और स्टाफ को रोका गया। अगर ये सिक्योरिटी है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, शहबाज शरीफ का भी हैरत का इजहार। SP सिक्योरिटी ने अदालत से मुआजरत कर ली। सहाफियों को रोकने पर नून लीगी रहनुमा तारर का एहतजाज। साफियों को ना रोका है, साफी अंदर नहीं जाएंगे तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे, बिल्कुल सीधी बात। मनशियात बरामद केस में वज़ीर दाखला राना सना की भी अदालत में पेशी। राना सनाउल्ला ने NF की जानब से मुंजमद प्रॉपर्टी और अकाउंट्स खोलने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने NF से जवाब तलब कर लिया। समाअत 25 जून तक मुलतवी। बातें दावे कुछ काम नहीं आ रहे। सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान दबा के नकल जारी, पर्चे आउट होना भी मामूल बन गए। कराची में केमिस्ट्री का पर्चा भी मुकर्ररा वक्त से पहले तलबा के हाथ लग गया। घोटकी में रियाजी का पर्चा, तलबा कमरा इम्तिहान में आने से पहले ही हल कराए। बारिशें ना होने की वजह से पानी का बहरान सर उठाने लगा। सिंध के बैराजों में पानी की किल्लत 53% तक जा पहुंची। इरसा ने सूबों को पानी कम इस्तेमाल करने के अहकाम जारी कर दिए। इरसा ने खबरदार किया है कि सिंध में 10-12 दिनों में पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। और वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का अहसन इकदाम, गोल्डन मैन को वज़ीर-ए-आला ऑफिस में अपना मेहमान बना लिया। गोल्डन मैन ने बताया, 6 बहन भाइयों के लिए रोजी कमाता हूँ। हमजा शहबाज ने पेशकश की कि पंजाब में जहाँ चाहे काम करे, कोई नहीं रोकेगा, आप जैसे मेहनती नौजवानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आला ने गोल्डन मैन की शर्ट पर ऑटोग्राफ भी दिया।